आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे, हम लोगों ने लैम्बर्ट की थी शादी की थी, बाकायदा हमारे सेक्शन 95 पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकी सब कुछ है, हमारी पत्नी कहती है कमी की शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पर आ गया, तो हमसे कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। 5 साल का साथ, 2 साल की शादी और फिर आई 24 में अलग होने की बारी। बुधवार का दिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल पत्र वितरित किए तो ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए, जिसने सबको पीसीएस ज्योति मौर्य मामले की याद दिला दी। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है और ऐसा ही होता है औरत के साथ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि कामयाबी की बुलंदी को छूते ही औरत अपना मिजाज बदल लेती है? ऐसा हम नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपको बता दें, बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल नियुक्ति पत्र वितरित किए, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलते ही एक पत्नी यानी कि झांसी की ऋचा ने अपने पति को छोड़ दिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर झांसी की रहने वाली ऋचा ने अपने पति को क्यों छोड़ा, ऐसी क्या वजह थी। ज्योति मौर्य मामले को लोग भूल ही नहीं पाए थे कि झांसी की ऋचा ने एक बार फिर इस सोच में डाल दिया। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि ऋचा और उसके पति नीरज विश्वकर्मा ने 6 फरवरी 2022 को लव मैरिज की। पति का कहना है कि शादी के बाद ऋचा की पढ़ाई में दिलचस्पी को देखते हुए नीरज मेहनत मजदूरी करके ऋचा की पढ़ाई करवा देते, लेकिन वही ऋचा जब नीरज को पति मानने से इनकार कर दी तो पति के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। जो पति पुलिस से लेकर अधिकारियों तक चक्कर लगा रहा है इस आस में कि उसकी पत्नी उसे मिल जाएगी, लेकिन उसकी आस अधूरी दिख रही है। पति के अधिकारियों से अपील है कि उसकी पत्नी उसके साथ उसके घर में रहने लगे, लेकिन शायद पत्नी को ये मंजूर नहीं। सुनिए क्या कुछ कहा पति नीरज। मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे, हम लोगों ने लैम मैरिज की थी, शादी की थी, उस बाकायदा हमारे सेक्शन 95 पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है, हमारी पत्नी कहती है कमी कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया, तो हमसे कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? हैं 18 जनवरी की बात है, 18 जनवरी से जब हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। 2024 से? हाँ 2024 से जी। आज मिला, पहले भी मिलना था तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है? नई तहसील में है, झांसी। झांसी नई तहसील। अब क्या हम जी, अब जी अब कुछ कह नहीं रही है ना, ये हम सब फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है ये। हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाए घर पे और आराम से। तो आपने सुना कि लेखपाल ऋचा के पति नीरज ने क्या कुछ कहा, लेकिन ये मामला हूबहू ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस की याद दिला रहा है। कई दिनों तक जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। फिलहाल झांसी की ऋचा अपने पति के पास कब लौट कर आएंगी, क्या कुछ होगा इस मामले में, अधिकारी इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेंगे, कितना वक्त लगेगा, फिलहाल ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। तो अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।